दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ब्लॉगर पर बिल्कुल फ्री में एक शायरी ब्लॉग किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आप लोगों को ए टू जेड शुरू से लेकर आखिर तक पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ किस तरह से एक प्रोफेशनल शायरी ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं और उससे अर्निंग कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा ब्लॉग किस तरह से क्रिएट करते हैं, उसमें आपको थीम किस तरह से अपलोड करनी है, कौन सी थीम आपको उसमें यूज करनी है, और जो थीम मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ उसका डाउनलोड लिंक भी आपको प्रोवाइड करूंगा, और इस थीम में ऐसी क्या खास बात है कि मैं आपको इसको सजेस्ट कर रहा हूँ। इसके अलावा थीम का कस्टमाइजेशन किस तरह से करना है, पोस्ट किस तरह से करना है, इसकी एसईओ सेटिंग आपको किस तरह से करनी है, इसका साइट मैप किस तरह से जनरेट करना है, इसके अलावा इसका मेटा टैग किस तरह से आपको जनरेट करके किस तरह से एड करना है, सर्च कंसोल में किस तरह से सबमिट करना है, इसके अलावा आपके जो इंपोर्टेंट पेजेज होते हैं वो वन क्लिक में आपको किस तरह से क्रिएट करना है, यानी कि ए टू जेड आपको फुल प्रोसेस आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी एक शायरी ब्लॉग क्रिएट करने में इंटरेस्टेड हैं तो आज के इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको उसका थोड़ा सा डेमो दिखा देता हूँ कि हमारा शायरी ब्लॉग बनने के बाद किस तरह का लगेगा। तो जो थीम मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ उसी का डोमेन मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आपका ब्लॉग क्रिएट हो जाएगा कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप अपना खुद का लोगो ऐड कर पाएंगे। ये जो मेनू वगैरह है इसको भी मैं आपको कस्टमाइज करने का तरीका बताऊंगा कि इसको आप कस्टमाइज किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एड स्लॉट मिल जाता है, इसको आप चाहें तो रख सकते हैं, चाहें तो इसको रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर डिफॉल्ट में आप तीन पोस्ट इस तरह से रख सकते हैं। सर्विस टेम्पलेट को आपको सजेस्ट करने की जो सबसे मेन वजह वो ये है दोस्तों कि जो कुछ भी पोस्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं इसमें आपकी जो भी शायरी होगी, जैसे कि सपोज कीजिए कि आपकी शायरी आपकी अब इस पर जो भी विजिटर आपका आएगा वो सिंगल क्लिक में शायरी को यहाँ से कॉपी कर पाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा टेक्स्ट आपको कॉपी होगा, फिर इसके बाद कहीं पे भी उसको शेयर कर सकता है, पेस्ट कर सकता है। इसके अलावा अगर वो उसको व्हाट्सएप पे शेयर करना चाहता है, फेसबुक पे शेयर करना चाहता है या फिर ट्विटर पे शेयर करना चाहता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों बटन भी उसको मिल जाएंगे। सिंगल क्लिक में आपकी यहाँ पे आपकी शायरी को यहाँ से शेयर भी कर पाएगा, जिससे कि आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक भी इंक्रीज होगा। अब यहाँ पर इसके लुक की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी प्रोफेशनल लुक आपको देखने को मिलता है। आपने और भी काफी सारे ट्यूटोरियल देखे होंगे जिसमें कि आपको शायरी ब्लॉग बनाने का ट्यूटोरियल बताए जाते हैं, उसमें भी आपको अलग अलग तरह के टेम्पलेट बताए जाते हैं कि, लेकिन ये जो टेम्पलेट मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ जैसा टेम्पलेट शायद ही किसी ने आपको पहले बताया हुआ। चलिए थोड़ा सा इसका फीचर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो कैटेगरीज वाइज आपकी यहाँ पे पोस्ट शो होती है, यहाँ पे एड स्लॉट वगैरह और आपके सोशल नेटवर्किंग आइकन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, फॉलो बाय ईमेल का बटन, पॉपुलर पोस्ट वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे आपके लेवल वगैरह कैटेगरी वगैरह भी यहाँ पे शो होती है और यहाँ पर इसके फुटर को भी आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको किसी एक पोस्ट को ओपन करके दिखा देता हूँ कि आपकी पोस्ट को जब कोई ओपन करता है तो किस तरह की नजर आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपकी पोस्ट नजर आती है, जो भी इमेज आप यहाँ पे ऐड करते हैं वो इमेज नजर आती है, इसके नीचे आपकी शायरी यहाँ पे इस बॉक्स में नजर आती है और यहाँ से सिंगल क्लिक में इसको कॉपी किया जा सकता है और सिंगल क्लिक में इसको यहाँ पे शेयर किया जाता है। तो कुछ इसी तरह की वेबसाइट बनाने का तरीका आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले तो हमें एक न्यू ब्लॉग यहाँ पे क्रिएट करना है, तो आपको अपने जीमेल से blogger.com पे आपको लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको एक न्यू ब्लॉग क्रिएट करना है। चलिए एक न्यू ब्लॉग हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर कोई भी एक टाइटल दे देता हूँ अपने ब्लॉग का, जैसे कि मैं यहाँ पर दे देता हूँ हिंदी स्टेटस शायरी। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पे अपने हिसाब से कुछ भी दे देता हूँ। चलिए मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसको हम अपना URL बना लेंगे। चलिए इसको स्पेस दे देते हैं और इसको यहाँ से हम नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद में चलिए इसी को हम URL सर्च करने की कोशिश करते हैं कि ये हमें मिलता है या नहीं मिलता है। इसको हम यहाँ से सेव कर देते हैं। तो ये हमारा ब्लॉग हो गया दोस्तों क्रिएट। इसके बाद में यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। ये हमारा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आपको पोस्ट का सेक्शन मिलता है, स्टेटस वगैरह, कमेंट वगैरह, पूरी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ब्लॉग क्रिएट हो जाने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे थीम अपलोड करनी होगी। तो थीम को अपलोड करने के लिए चलिए हम थीम वाले सेक्शन पर क्लिक करते हैं। थीम वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको एरो पे जाना है और एरो पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बैकअप और रिस्टोर का ऑप्शन मिलता है। सिंपली आपको रिस्टोर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपलोड पे क्लिक करना है। अब मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसी थीम का लिंक दे दिया जो कि मैंने अभी आपको दिखाई थी, इसी को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। चलिए मैं अपनी थीम को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो चलिए हमारी थीम यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। चलिए मैं आपको व्यू ब्लॉक करके दिखा देता हूँ कि हमारा लुक किस तरह का नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इसी तरह का ये थीम मैंने आपको प्रोवाइड किया है जो कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आपको सबसे पहले तो यहाँ पे पिकी लिरिक्स का जो इनका डिफॉल्ट जो है ये लोगो है इसको चेंज करना होगा। इसके बाद में आपको ये मीनू वगैरह को कस्टमाइज करना होगा। उसके बाद में जो डिफॉल्ट पोस्ट है इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको लोगो किस तरह से चेंज करना है और ये जो मीनूज वगैरह आपको दिए गए इसको आपको किस तरह से कस्टमाइज करना है। तो इसके लिए आपको अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आना है। डैशबोर्ड में आने के बाद आपको यहाँ पे लेआउट सेक्शन पे चले जाना है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे लेआउट सेक्शन ओपन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको डिफॉल्ट वेरिएबल का ऑप्शन मिलता है, तो इसमें भी अपने अकॉर्डिंग अगर आपको चेंजिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। और इस पर अगर आप इसको डिफॉल्ट रहने दें तो इसको डिफॉल्ट भी रख सकते हैं, तो मैं इसको यहाँ पे डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ। अब इसके बाद में सबसे पहली चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे लोगो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेन लोगो का आपको ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एक लोगो देखने को मिल रहा है, इसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। और रिमूव करने के बाद अपना एक लोगो यहाँ पे क्रिएट करके अपलोड कर सकते हैं। तो आप इस तरह से आप यहाँ से लोगो चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है कि हमें ये लोगो का मैंने आपको बता दिया, अब ये जो मेनू है इसको आप किस तरह से कस्टमाइज करेंगे, तो इसके लिए आपको यहाँ पे मेन मेनू का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करें। इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे की साइड आप देख सकते हैं आपको सभी तरह के मेनू देखने को मिल जाते हैं। तो आप चाहें तो इनको सबसे पहले यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, जैसे कि चलिए मैं सब मेनू को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। चलिए मेनू मैंने ऐसे डिलीट कर दिया, सिर्फ मैंने होम वाला रखा। अब इसके बाद में हम यहाँ से ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको जैसे कि हिंदी शायरी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हिंदी शायरी। और इसके बाद में आपको यहाँ से ऐड लिंक करना, तो यहाँ पे आपकी हिंदी शायरी आ चुकी है। चलिए होम को हम ऊपर कर देते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जैसे कि आपको सैड शायरी, तो इसको भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। चलिए इसको भी हम डाउन कर देते हैं। और जैसे कि यहाँ पर आपको लिखना है लव शायरी, तो इसको आप ऐड कर दीजिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे जितने चाहे उतने मेनू आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, जितनी भी कैटेगरी आप अपनी पोस्ट की रखना चाहते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे 3 ही रहने देते हैं, तो हमारी होम 4 हो गई, इसको हम सेव कर देते हैं। चलिए इसको हम एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग जो हमने यहाँ पर कस्टमाइज किया उस तरह की कैटेगरी हमारी यहाँ पे आ चुकी है। तो यहाँ पर जितनी चाहे आप उसको रख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफॉल्ट 3 पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना है फिर से डैशबोर्ड में आना है, फिर से लेआउट सेक्शन में आना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मेन हाईलाइट का, जिसमें कि आपको लिरिक्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसको आप यहाँ से ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद अब आपको करना क्या होगा कि यहाँ पर आपको जैसे कि इंग्लिश में शायरी लिखी हुई है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, चलिए मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। मैंने एक वेबसाइट ओपन की हुई है, यहाँ से चलिए इस वाली को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एक शायरी को, इसको वापस चलते हैं। और यहाँ पर आपको किसी भी चीज में कोई चेंजिंग नहीं करना है, सिर्फ आपकी जो यहाँ पे जो इंग्लिश में जो लिखी हुई है शायरी टाइप, इसको आपको ऐसे रिमूव करना है, इसकी जगह पर आपको अपनी शायरी ऐड कर देना है। इसी तरह से जो सेकंड वाली है इसी को भी आपको इसी तरह से करना है। चलिए फिर से एक शायरी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, चलिए इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर चलते हैं। और ये सेकंड वाले को भी हम यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। और चलिए एक और हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं थर्ड, और इसको भी हम यहाँ पर लास्ट वाली जो हमारी बची है उसकी जगह पर हम इसको रिप्लेस करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर चलिए इसको मैं यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ, और इसको हम यहाँ से कर देते हैं सेव चेंज। चलिए इसको हम एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने यहाँ पे अपनी शायरी ऐड की थी वो यहाँ पर आ चुकी है। तो इस तरह से आपकी हर पोस्ट यहाँ पे शो होने वाली है। अब इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे की साइड आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, ये जो मीनूज वगैरह है, ये जो रिस्पॉन्सिव एड वगैरह है, इनको अगर आप चेंज करना चाहें, ये कैटेगरी आप चेंज करना चाहें, तो इसके लिए आपको यहीं पे वापस आना है। अब यहाँ पर आपको जो होम एड्स का ऑप्शन नजर आ रहा है, इसको आप यहाँ से क्लिक करें। अगर आप इसको हाइड करना चाहते हैं तो अब इसको यहाँ से आप टिक मार्क कटा दें तो ये हाइड हो जाएगा। जब आपको एडसेंस वगैरह का अप्रूवल मिल जाए या किसी और एड नेटवर्क को आप यूज करना चाहते हो, यहाँ पर वापस टिक मार्क लगाइएगा, यहाँ पर उस कोड को पेस्ट करके आपको सेव कर देना है। तो आप यहाँ से, चलिए मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, तो ये एड हमारा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा एड यहाँ पे हट चुका है। इसके अलावा चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कनेक्ट विथ अस का आपको जो ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप अपने लिंक वगैरह ऐड करना चाहें तो अपने लिंक वगैरह ऐड कर सकते हैं। जैसे कि चलिए मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप सभी का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको एडिट करना होगा, ये एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको अपना व्हाट्सएप का लिंक, अपनी फेसबुक का लिंक दे देना। इसी तरह से आपको व्हाट्सएप को एडिट करना है, यहाँ पे अपनी व्हाट्सएप का लिंक दे देना। इस तरह से अपने सभी सोशल नेटवर्किंग के लिंक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद में चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा काम हो चुका है, यहाँ पे एड स्लॉट वगैरह दिए हुए हैं। आप यहाँ पे इनको शो नहीं कराना चाहते तो हम इन सबको हाइड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ से एक हाइड करके आपको यहाँ पे दिखाया था। चलिए इधर चलते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कुछ कैटेगरी यहाँ पे डिफॉल्ट में शो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि आपको प्रिज्मा, लाइफ स्टाइल, रीड मोर, तो इनको अगर आप चेंज करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे ये फर्स्ट वाली है, इसको हम ओपन करते हैं और इसके नाम की जगह पे यहाँ पे जैसे कि हम लिख देते हैं यहाँ पर हिंदी शायरी, और यहाँ से हम इसको सेव कर देते हैं। इसी तरह से यहाँ पे लाइफ स्टाइल को भी हम चेंज कर देते हैं, इसकी जगह पर हम कर देते हैं यहाँ पर सैड शायरी। चलिए इसको भी यहाँ पे सेव कर देते हैं। अब चलिए इसको एक बार हम रिफ्रेश करके देखते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैटेगरी यहाँ पे चेंज हो चुकी है। तो इस तरह से अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं, इस एड स्लॉट को भी हम यहाँ से हटा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर एक फूटर देखने को मिलता है। तो फूटर के लिए आपको नीचे की साइड स्क्रॉल डाउन करना, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फूटर के लेफ्ट में हमारी डिसेंट पोस्ट है, यहाँ पर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं उसको ऐड कर सकते हैं। और सेंटर वाले सेक्शन में हमारी कैटेगरी शो होगी, और इसके अलावा राइट वाले सेक्शन में हमारी रिसेंट पोस्ट है यानी कि रिसेंट गेम के नाम से जो कैटेगरी है वो शो होगी। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेन फूटर विजेट होते हैं इनको आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर वन बाई वन करके इसको कस्टमाइज कर लेना है। जो कुछ भी कस्टमाइजेशन आपको करना है आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे थीम वाले सेक्शन में एडिट एचटीएमएल में जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपका लेआउट सेक्शन से आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। अब इसके बाद में बारी आती है यहाँ पे पोस्ट किस तरह से क्रिएट करनी है। तो पोस्ट तो आपको पता ही कि किस तरह से क्रिएट करनी है, तो मेरे लिए जल्दी से मैं यहाँ पे दो तीन पोस्ट लगा देता हूँ, उसके बाद आपको कंटिन्यू बताता हूँ कि आपको किस तरह से क्या करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जल्दी जल्दी यहाँ पे तीन पोस्ट आपको दिखाने के लिए कर दी है। चलिए अब मैं इसको वेबसाइट को एक बार रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी तीन पोस्ट यहाँ पे आ चुकी है। चलिए किसी एक पोस्ट को मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि आपकी पोस्ट किस तरह की नजर आएगी। चलिए इसको मैं ओपन करता हूँ, इसको ओपन करता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप कोई इमेज ऐड करेंगे तो इस तरह से आपकी इमेज आ जाएगी, और नीचे जो आपकी शायरी होगी वो इस बॉक्स में आ जाएगी। और फीचर मैंने आपको बताई थी, तो यहाँ से डायरेक्ट कॉपी भी किया जा सकता है और यहाँ से डायरेक्ट शेयर भी किया जा सकता है, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पर इसको शेयर किया जा सकता है। तो ये हो गया। अब चलिए फिर से इसके होम पेज पर चलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो हमारी कैटेगरी है, अब इस पर अगर कोई क्लिक करेगा तो अभी ये वर्क नहीं करेगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लव शायरी पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लॉक लिखा आ गया, यानी कि यहाँ पे कोई लिंक अवेलेबल नहीं है। तो अब इनको आपको किस तरह से ऐड करना है यहाँ पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी आप लेवल बनाएंगे वो लेवल आपको यहाँ पे शो होंगे। जैसे कि देख सकते हैं टैग में हिंदी शायरी, लव शायरी और सैड शायरी। अब आपको इसके लिंक को आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। तो इसको किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले चलिए हम यहाँ से हिंदी शायरी पे राइट क्लिक करते हैं और इसके लिंक को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और अपने चलते हैं वापस हम लेआउट सेक्शन में। और लेआउट सेक्शन में जाने के बाद हम चलते हैं अपने मेन मेनू पर। मेन मेनू पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको हमने भी कॉपी किया लव शायरी का, तो चलिए इसको हमने हिंदी शायरी कॉपी किया स्टोरी, तो हम हिंदी शायरी वाले को यहाँ से एडिट करेंगे, और एडिट पर क्लिक करेंगे तो नीचे की साइड आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यूआरएल का ऑप्शन मिलता है, इसमें अपना यूआरएल दे देंगे जो हमने कॉपी किया, इसको हम सेव कर देते हैं। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी यहाँ पे आती है लव शायरी, इसके भी लिंक को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ से ये लव शायरी वाले को हम यहाँ से एडिट करेंगे मीनू को, और यहाँ पर इसके यूआरएल को पेस्ट करेंगे और सेव कर देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा यहाँ पे बनता है सैड शायरी, तो इसको कॉपी करते हैं, और यहाँ से हम अब करेंगे सैड शायरी वाले को एडिट, और यहाँ पर इसके भी यूआरएल को हम पेस्ट कर देते हैं और सेव कर देते हैं, इसको सेव चेंज कर देते हैं। चलिए इसको एक बार हम रिफ्रेश करते हैं। अब रिफ्रेश करने के बाद चलिए अब हम इन मेनूज को चेक करके देखते हैं कि हमारी लिंक यहाँ पे ऐड हुई या नहीं हुई, ये वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम लव शायरी पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पोस्ट हमारी इस कैटेगरी में तो ये ओपन हो चुकी है। इसी तरह से सैड शायरी पे जाएंगे तो ये भी हमारी ओपन हो चुकी है। इस तरह हिंदी शायरी पे जाएंगे, ये भी हमारी यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि हमें यहाँ पे अब जो आपको बताया कि एडसेंस वगैरह का अगर आपको अप्रूवल लेना है तो आपकी वेबसाइट पर कुछ पेजेज आपको क्रिएट करने बहुत जरूरी होते हैं, जैसे कि अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर वगैरह। तो इसके लिए वैसे तो काफी सारे टूल आपको मिल जाएंगे। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर तो आपको टूल मिल जाएगा, डिस्क्लेमर जनरेटर आपको टूल मिल जाएगा, लेकिन वहां पर आपको वन बाय वन इनको क्रिएट करने होंगे। लेकिन मैं आपको एक ऐसा शॉर्ट तरीका बताने वाला हूँ जिसमें कि सिंगल क्लिक में आपके सारे पेज यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि एक यूट्यूबर है, आप उनको जानते होंगे, webbish.in, आपको उनकी वेबसाइट को ओपन करना होगा। चलिए मैं उनकी वेबसाइट को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, और जैसे आप इनकी वेबसाइट पर आएंगे तो आपको साइड में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, प्राइवेसी पेजेस क्रिएटर, इस पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको फायदा होगा दोस्तों कि आपके जितने भी पेज हैं वो यहाँ पे सिंगल क्लिक में आपके जनरेट हो जाएंगे, आपको अलग अलग उनको जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट का नाम देना है, जैसे कि चलिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ हिंदी शायरी। आपको अपनी वेबसाइट का रियल नेम यहाँ पे दे देना है। इसके बाद आपको यूआरएल मांगता है, तो आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ से कॉपी कर लेना है सिर्फ होम पेज का। चलिए इसको, और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट से रिलेटेड कुछ अगर आप लिखना चाहते हैं तो उसको लिख देते हैं, जैसे कि हम लिख देते हैं अबाउट हिंदी शायरी। आपको ठीक से लिखना, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप अगर नाम वगैरह देना चाहते हैं, अपना नाम दे सकते हैं, अपना ईमेल एड्रेस दे सकते हैं, और आपको सिंपली यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका प्राइवेसी पॉलिसी का पेज जनरेट हो चुका है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका कॉन्टेक्ट अस का पेज भी जनरेट हो चुका है, और नीचे आएंगे आपका अबाउट अस का पेज आ चुका है, और इसके अलावा आपको डीएमसीए का भी पेज मिल चुका है। तो इस टूल को मैं सजेस्ट करने का मेरा मतलब यही कि सिंगल क्लिक में आपके चारों पेज यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं।
अब ये सभी पेजेस क्रिएट होने के बाद अब आपको करना क्या होगा कि इन्हें अपने ब्लॉगर पर ऐड करने हैं। तो इसके लिए आपको करना होगा, जैसे कि सबसे पहले चलिए हम एक प्राइवेसी पॉलिसी को यहाँ से कॉपी करते हैं, अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आते हैं, अपने पेज वाले सेक्शन में जाते हैं और यहाँ से न्यू पेज पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर टाइटल दे देते हैं हम प्राइवेसी पॉलिसी। इसके बाद आपको पेंसिल वाले आइकन पर आना है और यहाँ से आपको कंपोज मेल पर होगा तो इसको आपको HTML पर करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आना होगा और यहाँ से आपका जो फर्स्ट पेज क्रिएट हुआ है प्राइवेसी पॉलिसी, इसको आपको यहाँ से पूरे को सिलेक्ट करके कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे HTML वाले सेक्शन में आके इसको पेस्ट कर देना है और इसको ऐसे आपको पब्लिश कर देना है। ठीक इसी तरह से बाकी के पेज भी आपको क्रिएट करने हैं और यहाँ पर इसी तरह से आपको पेस्ट कर देना है। जैसे कि सेकंड पेज यहाँ से हम ओपन करते हैं और यहाँ से हम सेकंड वाला लेते हैं कॉन्टैक्ट अस, इसको करते हैं कॉपी, यहाँ पर टाइटल देते हैं कॉन्टैक्ट अस और इसके बाद में इसका भी हम कोड यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे और इसको पब्लिश कर देंगे। इसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं, अब हमारा अबाउट अस का इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर एक और न्यू पेज क्रिएट करते हैं, चलिए इसको भी हम यहाँ पे दे देते हैं, इसका कोड उठाते हैं और यहाँ पर पेस्ट करके इसको पब्लिश करते हैं। अब लास्ट हमारा बचता है यहाँ पे डिस्क्लाइमर, चलिए इसको भी यहाँ से ले लेते हैं DMCA, ओके यहाँ पे टाइटल देंगे और यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और चलिए इसको भी हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, चलिए हम कंफर्म कर देते हैं। तो हमारे चारों पेज यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं, लेकिन अभी ये चारों पेज आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, नीचे की साइड आप देख सकते हैं आपको पेजेस का ऑप्शन है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर करना क्या होगा, सबसे पहले तो चारों पेज आपको नेक्स्ट विंडो में ओपन कर लेने हैं। चलिए मैं इनको चारों को यहाँ से नेक्स्ट विंडो में ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे चारों पेज यहाँ पे आ चुके हैं, DMCA का पेज आ चुका है, अबाउट अस का आ चुका है, या कॉन्टैक्ट अस का आ चुका है, इसके अलावा यहाँ पर आप देखते हैं हमारी प्राइवेसी पॉलिसी आ चुकी है। इसके बाद में आपको अपने लेआउट सेक्शन पे जाना होगा और स्क्रॉल डाउन करके नीचे की साइड आएंगे, मेन फुटर विजेट इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, इसी तरह से आपको एक पेज और क्रिएट कर लेना है, जैसे कि प्राइवेसी पॉलिसी, और चलिए इसको ऐड कर देते हैं। अब आपको लिंक किस तरह से ऐड करनी है, तो लिंक ऐड करने के लिए आपको जैसे कि यहाँ पर ये प्राइवेसी पॉलिसी वाले के लिंक को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, इसमें वापस आएंगे और यहाँ से जो प्राइवेसी पॉलिसी वाला है इसको एडिट करेंगे और यहाँ पर हम लिंक पेस्ट करेंगे और इसको सेव कर देंगे। इसी तरह से चारों पेजों की आपको यहाँ पे लिंक दे देनी है, तो आपके ये मेनू में यहाँ पे ऐड हो जाएगा। चलिए इसको भी मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा दोस्तों कि हमें किस तरह से ब्लॉग क्रिएट करना है, किस तरह से हमें थीम अपलोड करना है, किस तरह से मेनू क्रिएट करना है, किस तरह से हमें लोगो चेंज करना है, किस तरह से पेजेज वगैरह क्रिएट करना है, किस तरह से पेजेज में लिंक लगानी है, मेनू में लिंक लगानी है, और इस तरह सोशल नेटवर्किंग की लिंक किस तरह से ऐड करनी है, ऐड कोड के स्लॉट आपको किस तरह से विजिबली हाइड करने है, सारी चीजें, फूटर वगैरह सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। बारी आती है इसके SEO की, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, चलिए इसकी शुरुआत कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जो सेटिंग का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। सेटिंग वाले पे आने के बाद सबसे पहले तो यहाँ पे आपका टाइटल आ जाता है, जो भी आपने ब्लॉग को क्रिएट करते टाइम दिया होता है। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन मिलता है, इसमें आपको अपना एक डिस्क्रिप्शन लिख देना है, 500 वर्ड तक का आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, दिस ब्लॉग अबाउट हिंदी शायरी, 500 वर्ड तक का आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए मैं सिर्फ अभी इतना ही लिख देता हूँ, इसके बाद में आपको यहाँ से इसको सेव कर देना है। तो इसके बाद आपको ब्लॉग लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है, तो ब्लॉग की जो डिफॉल्ट लैंग्वेज होती है उसको अगर यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो उसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको कोई चीज़ चेंज नहीं करनी। इसके अलावा फेविकॉन आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसे कि किसी भी वेबसाइट में आपने देखा हो, जैसे कि ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह का फेविकॉन है। जब भी हमारा URL ओपन होता है तो URL में यहाँ पे ऊपर की साइड एक फेविकॉन देखने को मिलता है। जैसे कि चलिए मैं आपको एक ये जैसी मेरी वेबसाइट है इसको मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, इसको थोड़ा मैं मिनिमाइज करता हूँ। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं फेविकॉन, इस तरह का फेविकॉन इसको बोलते हैं फेविकॉन। इसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ से आप फेविकॉन को अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद प्राइवेसी पे आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद पब्लिशिंग पे आपको ब्लॉग एड्रेस का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पे आपको कस्टम डोमेन का ऑप्शन मिलता है, तो अगर आप यहाँ पे कोई अपना कस्टम डोमेन .com, .in वगैरह .xyz कुछ ऐड करना चाहते हैं तो उसको ऐड कर सकते हैं। उसका ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरह से आपको ब्लॉगर में कस्टम डोमेन को ऐड करना होता है। इसके बाद यहाँ पे HTTPS यानी कि SSL सर्टिफिकेट, जो कि आपकी वेबसाइट के ट्रस्टेड होने की गारंटी लेता है आपके विजिटर के लिए, कि आपके विजिटर को आपकी वेबसाइट पर ट्रस्ट रहता है। तो ये SSL सर्टिफिकेट होता है जो कि ब्लॉगर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर ये डिफॉल्ट एनेबल रहता है, तो इसको एनेबल रहने देना है। इसके बाद में परमिशन वगैरह की बारी आती है, तो यहाँ पे आपको कुछ ज्यादा चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। नीचे की साइड आएंगे पोस्ट के सेक्शन में, तो यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं कि आपका जो होम पेज होता है आप यहाँ पे अपने होम पेज पर कितनी पोस्टें शो कराना चाहते हैं, 7-10 जितनी भी आप यहाँ से कर सकते हैं।
इसके अलावा नीचे की साइड आना है आपको, यहाँ पे कमेंट कमेंट लोकेशन का ऑप्शन मिलता है, वो कमेंट यानी कि कौन आपको कमेंट कर सकता है। तो यहाँ से ओनली मेंबर, यूजर विद गूगल अकाउंट या फिर एनी वन, तो यूजर विद गूगल अकाउंट करें ताकि जो लॉगिन किया हो अपने गूगल अकाउंट से वही आपको कमेंट कर पाए, और इसको आपको यहाँ से सेव कर देना है। इसके अलावा आपको ईमेल सेक्शन का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर आप करना चाहे तो कर सकते हैं, वैसे इसकी कोई ज्यादा जरूरत आपको नहीं पड़ती है। फॉर्मेटिंग में आप अपना टाइम जोन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट करना है, आप जिस भी कंट्री से आपको वो कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए जैसे कि मैं इंडिया से, तो मैं यहाँ से इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया स्टैंडर्ड टाइम हमें मिल चुका है, इसको यहाँ से सेव करेंगे। इसके बाद टाइम फॉर्मेट वगैरह आप यहाँ से चेंज करना चाहते हो उसको भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब ये मेन चीज आती है आपकी यहाँ पे आती है मेटा टैग्स की, तो इसको आपको एनेबल करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि आपके एसईओ में यही आपकी हेल्प करता है। इसको एनेबल करेंगे, एनेबल करेंगे तो यहाँ पर अब आपको सर्च डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको 150 वर्ड यानी कि 150 वर्ड में आपकी वेबसाइट के रिलेटेड लिखना है, जिसमें कि आपके पूरे कीवर्ड वगैरह आ जाए, जो जो कीवर्ड आप यूज करते हैं, जैसे कि दिस ब्लॉग अबाउट हिंदी शायरी, सैड शायरी, लव शायरी, इस तरह से आपको अपने कीवर्ड यहाँ पे दे देना है। कीवर्ड देने के बाद आपको यहाँ पे इसको सेव कर देना है, तो आपका सर्च डिस्क्रिप्शन यहाँ से एनेबल हो जाएगा। इसके बाद नीचे की साइड है, अब यहाँ पे आपको ये रिडायरेक्ट का ऑप्शन मिलता है, तो ये किसका काम आता है दोस्तों कि सपोज कीजिए आपने कोई पोस्ट क्रिएट की, उसको आपने डिलीट कर दिया, लेकिन अगर वो गूगल में या कहीं पे उसका लिंक है उस पर कोई क्लिक करता है तो उसको पेज नॉट फाउंड का एरर मिलता है, जिसको बोलते हैं एरर 404। इसको अगर आप अपने होम पेज वगैरह पर किसी पर्टिकुलर पेज पर रिडायरेक्ट करना चाहते हैं तो उसके ये काम में आता है। अब चलिए नीचे की साइड आते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे robot.txt का ऑप्शन आता है, इसको आपको यहाँ से एनेबल करना होगा। तो robot.txt क्या होता है दोस्तों, ये गूगल के जो सर्च इंजन के रोबोट होते हैं उसको हम बताते हैं अपनी ब्लॉग के बारे में, जिसके थ्रू की वो हमारी हमारी वेबसाइट को क्रॉल करता है और उसके बाद हमारी वेबसाइट गूगल में सबमिट होती है और वो रैंक होती है। अब इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कस्टम robot.txt का ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको करना है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे आपको एक इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है robot.txt, तो आपको अपने होम पेज पे जाना है। चलिए मैं अपने होम पेज को यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, और होम पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पर लगाना होगा स्लैश, और स्लैश के बाद में आपको लिखना है robots.txt, और इसके बाद आपको एंटर मार देना है। जैसे आप एंटर करेंगे तो इस तरह से आपको एक फाइल देखने को मिलेगी, इसको आपको यहाँ से पूरे को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको इसको यहाँ पे पेस्ट करना होगा, इसलिए मैं इसको यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ, और इसको पेस्ट करने के बाद आपको इसको यहाँ से सेव कर देना है। हमारा हो गया दोस्तों robots.txt फाइल। अब इसके बाद में नीचे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो हम गूगल के रोबोट्स को बताते हैं कि हमारी वेबसाइट का क्या चीज आपको क्रॉल करना है और क्या चीज आपको क्रॉल नहीं करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ से इसको भी आपको एनेबल करना होगा। इसको एनेबल करेंगे तो आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलेंगे, होम पेज, आर्काइव और पोस्ट एंड पेज। तो सबसे पहले होम पेज पे चलते हैं। होम पेज पे आने के बाद आपको यहाँ से इसको ऑल करना है, और इसके बाद में आपको नीचे की साइड आकर यहाँ से इसको कर देना है नो डीपी। ठीक है दोस्तों, बस इसको यहाँ से आपको सेव कर देना है। इसके बाद में आपको आर्काइव वाले सेक्शन पे चलना है। चलिए आर्काइव वाले को ऑप्शन करते हैं, इसमें इसमें आपको नो इंडेक्स करना है, और इसके बाद आपको नो डीपी कर देना है। ये सेकंड वाले में आपको ये करना है, इसके बाद में इसको भी सेव कर देंगे। इसके बाद में पोस्ट वाले पे चलना है, इसमें आपको ऑल करना है, और नीचे वाले पे आके आपको यहाँ पे नो डीपी करके इसको भी सेव कर देना है। बस दोस्तों आपका ये काम भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब आपकी बारी आती है यहाँ पे दोस्तों की सर्च कंसोल में हमारी वेबसाइट को हम किस तरह से ऐड करते हैं। तो सर्च कंसोल में ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ से आपको इस पे क्लिक करना है, तो ये सीधा आपको ले जाएगा सर्च कंसोल पर। तो यहाँ पर हम सर्च कंसोल पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमें अपनी इस ब्लॉग को ऐड करना होगा, तो ऐड करने के लिए यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे, और यहाँ आपको ऐड प्रॉपर्टी का ऑप्शन मिलता है, इस पे आप क्लिक करेंगे। अगर डोमेन है तो आप डोमेन को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर यूआरएल वाले को ही लेते हैं, हम इसी में पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम अपने होम पेज पर चलेंगे, इस होम पेज को हम यहाँ से कॉपी करेंगे यूआरएल को, और यहाँ पर हम इसको पेस्ट करेंगे, और पेस्ट करने के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये आपका ब्लॉगर से, इसलिए इसने ऑटोमेटिक यहाँ पे इसको ओनरशिप को वेरीफाई कर लिया। अगर ये ओनरशिप को वेरीफाई नहीं करता है तो आपको फिर इसको वेरीफाई कराना होता है। तो इसको गो टू प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने डैशबोर्ड आ जाता है। अब आपको यहाँ पे साइट मैप सबमिट करना होगा, तो साइट मैप के लिए साइट मैप पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे डिफॉल्ट आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना होगा साइट मैप .xml, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं साइट मैप .xml लिखकर आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। अब जैसे आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुड नॉट फेच आ रहा है, तो यहाँ पे एक दो मिनट आपको वेट कर लेना है, उसके बाद में यहाँ पे सक्सेस हो जाता है, और आपकी जितनी भी पोस्ट होती है उनको यहाँ पे ऑटोमेटिक फेच कर लेता है। तो यहाँ पे 5 से 10 मिनट आपको वेट कर लेना है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा साइट में यहाँ पे सबमिट हो चुका है और तीन पोस्ट मैंने आपके सामने की थी, तीनों यहाँ पे सबमिट हो चुकी हैं। अब इसके बाद में आपको एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि आप मैनुअली अगर अपनी पोस्टों को इंडेक्स कराना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। उसके लिए आपको यूआरएल इंस्पेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, अपनी वेबसाइट पर जाना, जो भी आपकी पोस्ट है उसको और यूआरएल को आपको ऐसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, पेस्ट करने के बाद आपको एंटर मार देना है। जैसे आप एंटर मारेंगे तो आपके यूआरएल को एनालाइज करके आपको बताएगा कि ये यूआरएल आपका गूगल पर है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी हमारा गूगल पे इंडेक्स नहीं हुआ, तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर देना है और इस तरह से आपको वन बाई वन अपनी हर पोस्ट को यहाँ पे मेनुअली इंडेक्स करा लेना है। जब आपका ब्लॉगर धीरे धीरे पोस्ट करते जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका साइट में यहाँ पे अपडेट होता रहेगा और उसके बाद में आपकी पोस्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक सबमिट होती रहेंगी। तो इस तरह से हमारा काम यहाँ पे सर्च कंसोल का भी कम्प्लीट हो चुका है। अब बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पे मेटाटेक किस तरह से ऐड करना है, जो कि आपके ब्लॉगर के एसईओ के लिए काफी जरूरी है। चलिए इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो एसईओ इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको गूगल में आना होगा और गूगल में आने के बाद यहाँ पर आपको लिखना होगा मेटा टैग जनरेटर। चलिए मेटाटेक जनरेटर को यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको काफी सारी वेबसाइट मिल जाएंगी, इसमें से आप किसी भी वेबसाइट को यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। चलिए मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। यहाँ आने के बाद आपको सबसे पहले तो अपनी वेबसाइट का टाइटल दे देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ हिंदी शायरी। इसके बाद में आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख देना है, जैसे कि अपने वहां पे लिखी थी उसी तरह से आपको अपने पूरे कीवर्ड यहाँ पे दे देना है, अबाउट लव शायरी। इस तरह से आपको डिस्क्रिप्शन लिख देना और इसी तरह से आपको यहाँ पे अपने कीवर्ड देना है। तो इसी कीवर्ड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और रोबोट्स यहाँ पे फॉलो कर देते हैं इसको। कॉपीराइट पे कुछ नहीं लिखना है, इंग्लिश आपको लैंग्वेज रहने देनी है। इसके बाद आपको जनरेट मेटा पे क्लिक करना है तो यहाँ पर आपका एक कोड आपको मिल जाएगा। इस कोड को आपको यहाँ से कॉपी करना है और इसके बाद आपको अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आना है, अपने थीम वाले सेक्शन पे जाना है और यहां से आपको एरो पे जाना है और एडिट एचटीएमएल पे क्लिक करना है। और इसके बाद में आपको ऊपर ही एक हेड का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं हेड। अगर आपको इस तरह से नहीं मिलता आप कंट्रोल एफ प्रेस करें और यहाँ पर लगाएं, आप इस तरह से हेड लिखना होगा HEAD और इसको हम बंद करेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट में आपको हेड का ऑप्शन मिल जाता है, इसके जस्ट नीचे आपको एंटर मारना है और जो कोड हमने कॉपी किया उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है और पेस्ट करने के बाद आपको इस थीम को यहाँ से सेव कर देना है। तो चलिए हमारी थीम भी यहाँ पे सेव हो चुकी है, हमारा मेटा टैग भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। इस तरह से आपको मेटा टैग को ऐड कर लेना है। चलिए इसको हम देख ले लेते हैं। तो ये हो गया दोस्तों हमारा मेटा टैग। इसके बाद चलिए हम यहाँ पे वापस सेटिंग पर चलते हैं। ये सर्च कंसोल तक हमारा हो चुका था। इसके बाद में यहाँ पर ad.txt किसका आता है, जब आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है उसके बाद वहां से आपको एक फाइल मिलती है, उसको कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट करनी होती है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपके पास कोई कंटेंट है तो उसको आप अपलोड कर सकते हैं, अपने कंटेंट का आप बैकअप ले सकते हैं। यहाँ पे साइट फीड का ऑप्शन आ जाता है और नीचे आपको ज्यादा कुछ चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर आपको स्टेटस मिलता है, तो जो भी विजिटर आपकी वेबसाइट पर आते हैं उसकी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी ये मैंने वीडियो क्रिएट किया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 यहाँ पर मेरे विजिटर भी आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन पोस्ट मैंने भी आपके सामने की थी और 11 विजिटर मेरे यहाँ पे आ चुके हैं और नीचे की साइड आप इनकी पूरी डिटेल भी यहाँ पे देख सकते हैं कि किस पोस्ट पे हमारे कितने विजिटर यहाँ पे आए हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको कमेंट सेक्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको अर्निंग का ऑप्शन कमेंट सेक्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको पूरे कमेंट शो होते हैं। ये अर्निंग वाला ऑप्शन है तो इस पे कनेक्ट करके आप अपने गूगल एडसेंसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आपको पेजेस का ऑप्शन मिलता है, लेआउट का ऑप्शन मिल जाता है, थीम वगैरह, जैसे कि मैंने आपको सेटिंग वगैरह पूरी बताई दी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एडसेंस के अप्रूवल के बारे में। तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ से कॉपी पेस्ट वर्क करना चाहते हैं तो फिर आपको एडसेंस का अप्रूवल यहाँ पे नहीं मिलेगा। उसके लिए फिर आपको दूसरे जो एड नेटवर्क होते हैं, जैसे कि YLLX होता है, इसके अलावा AADS है, एटसेट्रा वगैरह है, प्रोपेलर एड्स है, इसका आप यूज कर सकते हैं अगर आप ट्रैफिक अच्छा ला सकते हैं। आप ही शेयर कीजिए फेसबुक वगैरह से, अगर आपके पास कोई पेजेस वगैरह है, बड़ी प्रोफाइल है, तो आप वहां से ट्रैफिक ला सकते हैं और अदर नेटवर्क का यूज कर सकते हैं। और अगर आपको एडसेंस का अप्रूवल चाहिए तो आपको एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि जो कुछ भी शायरी आप यहाँ पे ऐड करेंगे, जो भी कंटेंट आप यहाँ पे लिखेंगे, वो शायरी आपकी खुद की होनी चाहिए, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉपी पेस्ट पे एडसेंस का अप्रूवल मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। आपका लक है अगर आपको मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे इस तरह से अप्रूवल मिलने वाला है। और इसके बाद में आपको करना ये होगा कम से कम 25 पोस्ट आपको लिखना है, जो पेज अब मैंने आपको बताया पूरी तरह से क्रिएट करना, अच्छे से अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना, उसके बाद ही आपको एडसेंस के लिए अप्लाई करना है। तो दोस्तों ये हो गया पूरा ट्यूटोरियल हमारा कि किस तरह से आपको ब्लॉगर पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक शायरी ब्लॉग क्रिएट करना है। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्रोसेस ठीक से समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई परेशानी आपको इसको क्रिएट करने में आती है, तो कमेंट बॉक्स में आप उससे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टेम्पलेट का लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं।